इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से ब्रेकिंग न्यूज आ रही, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों में झड़प हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि के लिए ढोल बजा रहे थे, जिसका किसानों ने विरोध किया। इसके बाद हंगामा हुआ। तो ये आप तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां किसान धरने पर बैठे हुए हैं। यहां बीजेपी के लोग ढोल बजा रहे थे, जिसे लेकर किसानों ने विरोध किया और यह विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि आती जाती गाड़ियों में भी इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं, जहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। यहां पर किसान धरना दे रहे हैं, बीजेपी के कुछ लोग यहां पर ढोल बजा रहे थे, जिसे लेकर किसानों ने विरोध किया। उन्होंने इस बात पर एतराज जताया तो दोनों के बीच झड़प हुई, हंगामा हुआ। हालांकि सवाल यह है कि वहां पर जो पुलिस बल तैनात रहता है, वो इस दौरान कहां था, क्योंकि यहां पर जहां किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आसपास पुलिस बल तैनात होता है। पूरा ये हंगामा होता रहा, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, लेकिन पुलिस यहां पर इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रही है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, वहां से जो लोग गुजर रहे थे उनको भी दिक्कत हुई। ये तस्वीर है गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर ढोल बजाने पर किसानों ने विरोध किया। बीजेपी के लोग ये ढोल बजा रहे थे और किसानों का कहना था ये सब कुछ इन्हें परेशान करने के लिए किया जा रहा है, और इसी को लेकर ये हंगामा यहां पर बरपा। दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां किसान धरने पर बैठे हैं। यहां पर बीजेपी के लोग ढोल बजा रहे थे, जिसे लेकर किसानों ने विरोध किया, एतराज जताया। उसके बाद दोनों के बीच झड़प हुई और इस झड़प की जो असर है वो आप देख रहे हैं। इसका अंजाम ये हुआ कि वहां पर जो गाड़ियां थी, उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। दोनों पक्षों के बीच झड़प होती रही, लेकिन यहां पर पुलिस नजर नहीं आई। यहां पर किसान लंबे समय से धरना दे रहे हैं, आसपास पुलिस तैनात होती है। बीजेपी के लोग यहां पर ढोल बजा रहे थे, जिसे लेकर किसानों ने एतराज जताया। पहले भी किसान यहां पर आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी के लोग उन्हें यहां से हटाना चाहते हैं, और वो इसको लेकर अपना विरोध जताते रहे हैं। लेकिन इस बार ये विरोध हिंसक हो गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। यहां पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने डंडों से, लाठियों से गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। ये तस्वीर देखिए, ये गाड़ियां हैं जो वहां से गुजर रही थी, जिनके शीशे तोड़ दिए गए। यहां पर उस दौरान पुलिस कहीं पर भी नजर नहीं आई। पुलिस हालांकि वहां पर आसपास हमेशा सुरक्षा में होती है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इतनी देर तक जब दोनों पक्षों में झड़प होती रही, तो उस दौरान पुलिस कहां थी, जो उसी जगह पर गाजीपुर बॉर्डर के स्पॉट पर मौजूद होती है। ये तस्वीर अपने आप बता रही है कि ये झड़प कितनी देर तक चली, इसका अंजाम क्या हुआ। ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी के झंडे आपको नजर आएंगे और दूसरी तरफ काले झंडे भी आपको दिख रहे हैं। यानी बीजेपी के लोगों का किसानों ने विरोध किया, उनका कहना था कि उन्हें यहां से चले जाना चाहिए, यहां पर उन्हें ढोल नगाड़े नहीं बजाने चाहिए। जबकि बीजेपी के लोगों का तर्क था कि वो अपने नेता के लिए ये कर रहे हैं, इसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया और वो बाहर निकल आए, दोनों के बीच झड़प हुई। सवाल ये उठता है कि अगर सड़क से कोई गुजर रहा था तो इसमें ऐतराज क्यों। संजय शाह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, इस पूरी घटना के बारे में बताएं, क्या कुछ हुआ, क्यों ये प्रदर्शन हिंसक हो गया? जी बिल्कुल अर्चना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं अमित वाल्मीकि, इनकी नियुक्ति के बाद ये पहली बार गाजियाबाद आ रहे थे। यूपी बॉर्डर पे
दिल्ली से आते समय भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठा हुए थे इनके स्वागत करने के लिए, और जैसे ही इनका काफिला वहाँ पर पहुँचा है और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है, तभी दूसरी तरफ से जो किसान वहाँ पे पहले से आंदोलनरत है वो सभी लोग काले झंडे लेकर पहुँच गए, और उसके बाद संघर्ष की स्थिति हो गई। और जैसे ही वहाँ से अमित पांडे की अपनी किसी भी तरीके से अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से भागे हैं, उसके बाद भी लाठी डंडे के साथ जो किसान है उन किसानों ने गाड़ियों पे हमला किया है और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, जिसकी तस्वीर हमारे पास है। और उसके घटना के बाद फिर सभी बीजेपी के कार्यकर्ता एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं और वहां पर पूरी घटना की शिकायत पुलिस से की जा रही है। फिलहाल इस घटना के बाद गाजीपुर बॉर्डर पे पुलिस की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। संजय हम आपसे अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले सुनाते हैं क्या कुछ कहना है लोगों का। हम गाड़ी वहाँ स्वागत कर रहे थे, कहाँ पे टिकैत आया, यूपी गेट पे टिकैत आया अपने साथ अपने आदमियों को लेके, उन्होंने हथियार लेके, वर्षा लेके, लोहे के डंडे सारे से लेके सब गाड़ी वाड़ी फोड़ दी, सब कुछ आदमियों को, हमारा भी गया, कम से कम 70-80 गाड़ी फोड़ी है, महिलाओं के भी चोट लगी है, महिलाओं के चोट लगी है, आप जो बाइकें जा रही थी उनको चोट आई है, फरसे से हमला करा गया, ये पूरा फरसे से, ये देखो ये पूरा फरसा मारा गया, ये किसान नहीं हो सकता, ये बदमाश है, बदमाश ये लोहे का निशान है, लोहे का मांग है, आपकी मांग क्या है, मांग हमारी मांग ये है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनके खिलाफ दबाए, वहाँ पे खुद राकेश टिकैत था, राकेश टिकैत ने जान लगा हमला किया, हटा देना चाहिए, भगा देना चाहिए वहाँ से, क्योंकि वो राकेश टिकैत किसान नहीं है, वो बदमाश है। और अभी एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मुंबई में कहा जिंदा कारतूस मिलने से बचा हड़कंप। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।